हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। आज हम बात करेंगे काजुआ के बारे में। इस वीडियो में मैं काजुआ के बारे में सभी चीजों को डिस्कस करूंगा, उसके टैलेंट्स, उसके आर्टिफैक्ट्स, वेपन्स, कॉन्स्टेलेशंस और उसके बेस्ट टीम्स के बारे में बात करूंगा। मैं ये भी डिस्कस करूंगा कि आपको उसके ऊपर ईएम बिल्ड करना चाहिए या फिर क्रिट। काजुआ वन ऑफ द बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट है पूरे गेम में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। मैं ऐसे ही बिल्ड गाइड्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स लाता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप में से 50% लोग मेरी वीडियोस देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं उसके किट के साथ। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि उसका रोल एक एनिमो सपोर्ट का है, जो आपके टीम को बफ करेगा उसके पैसिव टैलेंट्स एंड उसके आर्टिफैक्ट सेट के मदद से। इसी के साथ वो एनिमीज को काफी अच्छे से ग्रुप भी कर देता है, जो कि आपको क्राउड कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। एनिमीज को ग्रुप करने के लिए आप काजुआ के एलिमेंटल स्किल को यूज करोगे। आप उसके स्किल को प्रेस भी कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। ये स्किल बेसिकली आपके एनिमीज को आपकी तरफ खींचता है, उनको ग्रुप करता है और आपको हवे में उछालता है। फिर आप नीचे प्लंज कर सकते हो एंड प्लंज करते टाइम आपका प्लंज अटैक एनिमो डैमेज में कन्वर्ट हो जाता है। एक और बात याद रखना कि अगर आप स्किल को प्रेस करोगे तो इसका एरिया छोटा होगा, इसका डैमेज भी कम होगा और इसका कूलडाउन भी कम होगा। इसीलिए अगर आप एक क्विक स्वॉप प्लेस्टाइल खेलते हो तो फिर उसके स्किल को प्रेस करके यूज करें एंड देन दूसरे कैरेक्टर में स्वॉप करके डैमेज दें। लेकिन अगर आपको ज्यादा एनिमीज को ग्रुप करके ज्यादा डैमेज देना है तो इसके स्किल को होल्ड करके यूज करें। ये एबिलिटी बहुत अच्छा है क्योंकि ये एनिमीज को काफी अच्छे से ग्रुप करता है एंड आपका प्लंज अटैक दूसरे कैरेक्टर के प्लंज अटैक की तरह एनिमीज को दूर नहीं ढकेलता, क्योंकि उसका स्किल उन्हें आपकी तरफ खींच कर रखता है, जो कि इसे एक बहुत अच्छा ग्रुपिंग एबिलिटी बना देता है। एक और चीज याद रखना कि उसके असेंशन वन पैसिव की वजह से अगर आपका स्किल हाइड्रो, पायरो, क्रायो या इलेक्ट्रो के कांटेक्ट में आता है तो तब आपका प्लंज अटैक और भी एक्स्ट्रा एलिमेंटल डैमेज देगा। उसका बर्स्ट भी काफी कमाल का है, जो कि उसके किट को काफी ज्यादा जरूरी है। ये बहुत ही तगड़ा बर्स्ट है जिसमें आपका काजुआ एक स्लैश अटैक करेगा एंड देन एक तूफान बना देगा, जो कि काफी अच्छा डैमेज देगा वक्त के साथ और एनिमीज को स्वर्ल भी करेगा। ऊपर से ये जिस भी एलिमेंट को कॉन्टेक्ट में आएगा ये वही एलिमेंट का डैमेज देगा। जैसे कि अगर आप बेनेट के बर्स्ट के अंदर इस बर्स्ट को यूज करोगे तो फिर ये पायरो इन्फ्यूज कर लेगा एंड ओवर द टाइम पायरो डैमेज देता रहेगा। ये एबिलिटी बहुत से कारण की वजह से काफी ज्यादा तगड़ा है। ये एबिलिटी का ड्यूरेशन टोटल 8 सेकंड तक रहता है एंड इसका कूलडाउन है 15 सेकंड का। साथ ही इसका स्केलिंग भी काफी अच्छा है। इसके साथ ही आप आपके टीम को लगातार बफ करते रह पाओगे काजुआ से उसके असेंशन 2 पैसिव की वजह से। ये एबिलिटी कुछ इस तरह काम करता है कि जब भी आपका काजुआ स्वर्ल रिएक्शन करेगा आप आपके टीम मेंबर्स को एलिमेंटल डैमेज बोनस दोगे, जो डिपेंड करेगा कि आपने कौन सा एलिमेंट स्वर्ल किया है। जैसे कि अगर आप पायरो स्वर्ल करते हो तो आपके पार्टी मेंबर्स को पायरो डैमेज बोनस मिलेगा और उनका पायरो डैमेज और बढ़ जाएगा। और ये एलिमेंटल डैमेज बोनस कितना होगा ये डिपेंड करेगा आपके एलिमेंटल मास्टरी पे और ये 8 सेकंड्स तक एक्टिव रहेगा। इस पैसिव टैलेंट से आप डबल स्वर्ल कर सकते हो, जैसे कि पायरो और हाइड्रो, एंड सभी एलिमेंट्स को बफ कर सकते हो जो भी आप यूज करोगे। हालांकि 0.04% एलिमेंटल डैमेज बोनस हर 1 पॉइंट ऑफ एलिमेंटल मास्टरी के लिए भले ही इतना ज्यादा ना लगता हो, बट वो काफी अच्छा है और अच्छे से एड अप होता है, खास करके अगर आप काजुआ को ईएम पे बिल्ड कर रहे हो तो। फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी तरह 950 ईएम बिल्ड कर लेते हो तो आपको 38% एलिमेंटल डैमेज बोनस का फायदा मिल सकता है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है। एंड अगर आप इस एबिलिटी के साथ विरिडेसन वेनरस सेट को यूज करते हो तो फिर काजुआ और भी बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाता है, जो आपके टीम को बफ करता है और एनिमीज को ग्रुप करता है। बट एक्चुअली में कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आता है उसे ऑप्टिमली बिल्ड करने में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा उसकी एबिलिटीज एंड बफ डिपेंड करते हैं उसके ईएम पे, बट उसके टैलेंट्स डिपेंड करते हैं उसके क्रिट एंड उसके अटैक के ऊपर। इसीलिए काफी लोग काजुआ पे अटैक भी स्टैक करते हैं ताकि उसका पर्सनल डैमेज इंक्रीज हो सके। ये अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि ईएम बिल्ड करने से काजुआ ना सिर्फ आपके टीम को अच्छे से बफ करेगा बल्कि वो खुद ज्यादा डैमेज देगा। ये इसलिए क्योंकि स्वर्ल एक ऐसा रिएक्शन है जो काफी ज्यादा डैमेज देता है, खास करके अगर आप एक साथ बहुत सारे एनिमीज को स्वर्ल करते हो तो। आप जितने भी बार एनिमीज को स्वर्ल करोगे आपका डैमेज उतना ही बढ़ता जाएगा। एंड जो कि काजुआ एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि क्राउड कंट्रोल में काफी अच्छा है, वो एक साथ बहुत से एनिमीज को स्वर्ल कर सकता है, खास करके उसके बर्स्ट के साथ। इसीलिए काजुआ पे ईएम स्टैक करना बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। इसीलिए मैं काजुआ पे एलिमेंटल मास्टरी स्टैक करना हमेशा रेकमेंड करूंगा बजाय क्रिट के। कुछ और टिप्स जो आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि आपको आपके काजुआ को हमेशा लेवल 90 मैक्स करना है, क्योंकि स्वर्ल रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसका डैमेज आपके लेवल पे डिपेंड करता है। एंड टैलेंट प्रायोरिटी की बात करूं तो फिर आपको सबसे पहले लेवल अप करना है उसका बर्स्ट, देन उसका स्किल एंड बाद में उसके नॉर्मल अटैक्स। उसके नॉर्मल अटैक्स को लेवल अप करने के पीछे का रीजन ये है, उसके प्लंज अटैक का डैमेज जो आप उसके स्किल के दौरान करोगे वो आपके नॉर्मल अटैक के लेवल पे डिपेंड करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं काजुआ के बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट के बारे में। उसका बेस्ट आर्टिफैक्ट सेट होगा 4 पीस वेरिडेसन वेनेगर। ये सेट सभी एनिमो सपोर्ट कैरेक्टर्स के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये एक ऐसा सेट है जो आपके पूरे टीम को बफ करेगा, साथ ही आपके काजुआ का डैमेज को भी इंक्रीज करेगा। इनफैक्ट ये आपका स्वर्ल डैमेज 60% से इंक्रीज कर देगा, क्योंकि काजुआ बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छे से स्वर्ल ट्रिगर करता है।
साथ ही ये सेट आपको 15% एनिमो डैमेज बोनस भी देगा। बट मेन रीजन इस सेट को यूज करने का है इसका 4-piece बोनस। ये सेट बोनस आपके टीम का डैमेज बहुत बढ़ा देगा, एटलीस्ट आपका एलिमेंटल डैमेज बढ़ा देगा उस एलिमेंट का जो भी आप स्वर्ल करोगे। बेसिकली ये सेट के 4-piece बोनस से आप जब भी कोई एलिमेंट का स्वर्ल डैमेज दोगे एनिमीज पे, उन एनिमीज का रेजिस्टेंस उस स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए कम हो जाएगा 40% से 10 सेकंड्स के लिए। यानी कि अब उस एलिमेंट का डैमेज अब और भी ज्यादा होगा। जैसे कि अगर आप पायरो स्वर्ल करोगे तो एनिमीज का पायरो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा 40% से 10 सेकंड्स के लिए। इस वजह से अब पायरो अटैक्स उन एनिमीज को और भी डैमेज देंगे। कुछ दूसरे अनपॉपुलर सेट भी आप यूज कर सकते हो, जैसे कि 2-piece वंडरर प्लस 2-piece गिल्डेड, ताकि आपको एक्स्ट्रा ईएम मिल सके। बट मैं फिर भी आपको 4-piece वेरिडेसन विनर रेकमेंड करूंगा, क्योंकि ये एक बेटर ऑप्शन है। वेल, अब सब स्टैट्स की बात करूं तो काजुहा एक ऐसा कैरेक्टर है जो ईएम बिल्ड करने से बहुत बेनिफिट करता है, बट साथ ही जो कि उसका स्केलिंग काफी अच्छा है, अटैक परसेंट, क्रिट रेट, क्रिट डैमेज रखना भी अच्छा होगा। बट मेनली आपको दो चीजों पे सबसे पहले ध्यान देना है। फर्स्ट है एनर्जी रिचार्ज, ताकि आप काजुहा का बर्स्ट यूज कर पाओ कूल डाउन खत्म होने पे। एंड सेकंड, आपको जितना हो सके उतना ईएम बिल्ड करना है, ताकि आप आपके टीम को अच्छे से बफ कर पाओ। स्पेसिफिकली कितना एनर्जी रिचार्ज चाहिए ये बात डिपेंड करती है आपके टीम पे, बट फिर भी एक जनरल रेंज होगा 130-160 ER। एक और बड़ा फैक्टर होगा फेवोनियस वेपन्स, क्योंकि ये आपके पूरे टीम के लिए एनर्जी जनरेट करते हैं, साथ ही ये काजुहा पे भी काफी अच्छा है। सो आर्टिफैक्ट की मेन स्टैट्स की बात करूं तो आपको फोकस करना है एलिमेंटल मास्टरी और एनर्जी रिचार्ज ऑन द सैंड्स, एलिमेंटल मास्टरी गॉबलेट एंड एलिमेंटल मास्टरी सर्कलेट। एंड सब स्टैट्स में आपको फोकस करना है एलिमेंटल मास्टरी, एनर्जी रिचार्ज, अटैक परसेंट और क्रिट पे। ये याद रखना कि अगर आप फेवोनियस स्वॉर्ड यूज कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा क्रिट रेट चाहिए होगा, ताकि आप इस स्वॉर्ड का पैसिव अच्छे से गेन कर पाओ। एक्चुअली अभी सही टाइम है वेपन के बारे में बात करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका सिग्नेचर वेपन उसका बेस्ट इन स्लॉट वेपन है। ये वेपन आपको ऑलमोस्ट 200 एलिमेंटल मास्टरी देता है, साथ ही काजुहा और आपके पूरे टीम के डैमेज को भी बफ करता है जब भी आपका काजुहा एलिमेंटल रिएक्शन करता है, इसीलिए इसे ट्रिगर करना काफी इजी है। एक और अच्छा ऑप्शन होगा फेवोनियस स्वॉर्ड, क्योंकि ये आपको बहुत सारा एनर्जी रिचार्ज देता है, साथ ही इसके पैसिव के लिए आपको क्रिट रेट भी बिल्ड करना होगा, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है, बट इस वजह से आपके काजुहा का पर्सनल डैमेज और भी इंक्रीज होगा। इनफैक्ट फेवोनियस स्वॉर्ड लेवल 90 पे आपको ऑलमोस्ट अराउंड 55% एनर्जी रिचार्ज देता है, एंड अगर आपने इसे R5 कर लिया तो फिर आप जब भी क्रिट करोगे आप एक्स्ट्रा एनर्जी पार्टिकल्स जनरेट करोगे। एक और कोई दूसरा एनर्जी रिचार्ज वेपन यूज करना हुआ तो फिर आप सैक्रिफिशियल स्वॉर्ड यूज कर सकते हो। इसके पैसिव से आप अपनी एलिमेंटल स्किल को 2 बार यूज कर पाओगे, जिससे कि आप ज्यादा एलिमेंटल पार्टिकल्स गेन कर पाओगे। साथ ही ये लेवल 90 पे आपको 60% एनर्जी रिचार्ज देता है, जो कि वैसे भी काफी ज्यादा हाई है। इससे आपका एनर्जी रिचार्ज का प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। कुछ दूसरे F2P ऑप्शन जैसे कि क्राफ्टेबल वेपन में आयरन स्टिंग भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, अगर आपको ईएम बिल्ड करने में दिक्कत हो रही है तो। इन सब के 5-star ऑप्शन में आप स्काईवर्ड ब्लेड भी यूज कर सकते हो, जो कि आपको एनर्जी रिचार्ज देता है। ओवरऑल आपको एलिमेंटल मास्टरी एंड एनर्जी रिचार्ज वेपन को यूज करना है, बट फिर भी अगर मुझे सभी ऑप्शंस को प्रायोरिटी वाइज अरेंज करना हुआ तो ये रहा आपके सामने। ये रहे काजुहा के बारे में कुछ और एडवांस टिप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप काजुहा के बर्स्ट को दूसरे एलिमेंट से इन्फ्यूज कर सकते हो। इससे आप काजुहा के बर्स्ट के साथ उस स्पेसिफिक टाइप के एलिमेंट का डैमेज देते रह पाओगे। इससे आपको एलिमेंटल बफ तो मिलेगा ही, बट आप एक साथ दो रिएक्शन कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप बेनेट के बर्स से पायरो इन्फ्यूज कर सकते हो, देन कोई दूसरे हाइड्रो कैरेक्टर को यूज करके बार बार वेपराइज कर सकते हो। एक और बात याद रखना कि एनिमीज को पहले ग्रुप कर लेना, फिर बाद में ही बर्स यूज करके स्वर्ल करना। तो चलो अब बात करते हैं उसके कॉन्स्टेलेशंस के बारे में। फर्स्टली, काजुहा एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ही तगड़ा है उसके C0 पे, इसीलिए उसके कॉन्स्टेलेशंस निकालना इतना भी जरूरी नहीं है। बट फिर भी उसके पास काफी अच्छे कॉन्स्टेलेशन है, जैसे कि उसका C1। ये आपके स्किल का कूलडाउन 10% से कम कर देता है, एंड आपके स्किल का कूलडाउन रीसेट करता है जब आप अपना बर्स्ट यूज करते हो। सो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप काजुहा का स्किल एक बार यूज करोगे, देन उसके बर्स्ट को यूज करोगे, तो उसका स्किल आप वापस से यूज कर पाओगे। उसका C2 आपके काजुहा एंड आपके पूरे टीम को बफ कर देगा जब भी आप उसका एलिमेंटल बर्स्ट यूज करोगे। बेसिकली जब आप काजुहा का बर्स्ट यूज करोगे तो आपके काजुहा को 200 ईएम मिल जाएगा, साथ ही उसके बर्स्ट के अंदर जो भी कैरेक्टर होगा उसको भी 200 ईएम मिल जाएगा। इससे आप आपके टीम को और भी ज्यादा बफ कर पाओगे। उसका C3 एंड C5 उसके टैलेंट लेवल्स को इंक्रीज करता है। उसका C4 आपके काजुहा को और एनर्जी रिचार्ज देता है जब भी आप लो एनर्जी पे होते हो। एंड लास्टली, उसका C6 आपके काजुहा को काइंड ऑफ एक मेन DPS बना देता है। बेसिकली ये आपके काजुहा को एनिमो इन्फ्यूजन देता है जब भी आप उसका स्किल या बर्स्ट यूज करते हो। तो अब बात करते हैं उसके टीम्स के बारे में। अब तक तो आपको समझ गया
यह होगा कि काजुआ बहुत ही ब्रोकन और बहुत ही फ्लेक्सिबल सपोर्ट कैरेक्टर है जो कि कोई भी टीम में फिट हो सकता है। इसीलिए वो एक बहुत ही अच्छा चॉइस है उन टीम्स में जहाँ पे रिएक्शन डैमेज यूज होता है एंड एक स्लॉट खाली होता है। ऐसे टीम्स में काजुआ खास करके एक अच्छा कैरेक्टर होता है क्योंकि वो उन रिएक्शन डैमेज को और भी ज्यादा बफ कर देता है। आप उसे बेसिकली किसी भी शंगलिंग या बेनेट टीम में यूज कर सकते हो जहाँ पे एक एम्प्टी फ्लेक्स स्लॉट होता है। दूसरे हाइपर कैरी टीम्स जैसे कि राइडन हाइपर कैरी में काजुआ आपको बोनस डैमेज बफ देता है इलेक्ट्रो स्वर्ल करके। इस टीम में बेनेट, तारा एंड काजुआ आपके राइडन को लगातार बफ करते हैं ताकि आपकी राइडन तबाही मचा सके। और भी कुछ मोनो एलिमेंटल टीम्स जैसे कि मोनो इलेक्ट्रो, मोनो हाइड्रो और मोनो पायरो टीम्स भी होते हैं। वो फ्रीज टीम्स में भी अच्छे से यूज हो सकता है उसके क्राउड कंट्रोल एंड क्रायो बफ के लिए। रिएक्शन बेस्ड टीम का एग्जांपल दूं तो फिर आप एक वेपराइज टीम रन कर सकते हो डीलुक या शांगलिंग के साथ शिंगचो, काजुआ एंड बेनी यूज करके। या फिर आप एक चाइल्ड इंटरनेशनल टीम का भी एग्जांपल ले सकते हो जहां पे आप यूज करोगे चाइल्ड, शांगलिंग, काजुआ और बेनेट। ये टीम बहुत ही ओपी है एंड आपके सारी एनिमीज से इजीली डील कर सकता है। फ्रीज टीम में आप आयाका, शेनहा, काजुआ और कोकोमी यूज कर सकते हो एंड कॉन्स्टेंटली आप अपने एनिमीज को फ्रीज करके क्रायो डैमेज दे पाओगे। इस टीम का एक बजट वर्जन भी है जो आप बना सकते हो काया, रोजारिया, काजुआ एंड शिंगचो को यूज करके। ओवरऑल काजुआ एक बहुत ही ज्यादा अच्छा और फ्लेक्सिबल कैरेक्टर है एंड वो मोस्टली एक बफर एंड डीबफर का रोल प्ले करता है एंड वो इस रोल में बहुत ही पावरफुल है। इनफैक्ट वो गेम का वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल एंड F2P फ्रेंडली कैरेक्टर है। साथ ही उसे प्ले करना बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग है, इसीलिए जो कि उसका बैनर अभी चल रहा है आपको उसे जरूर पुल करना चाहिए एंड वो आपके लिए एक बहुत ही सेफ एंड पावरफुल इन्वेस्टमेंट बनेगा। इस वीडियो में मैंने आपको काजुआ के किट के बारे में एंड उसके बिल्ड के बारे में ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो फिर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं ऐसे ही बिल्ड वीडियोस लाता रहता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।